नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे द फैंटास्टिक फोर इस चैनल पर। नवरात्रि चालू होके दशहरे का दिन नज़दीक आया है और इस नवरात्रि के अवसर पर महाराष्ट्र की आदि शक्ति माताओं की विविध रूपों को हमने आपको दिखाने का एक प्रयत्न किया है। और आज हम महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का रक्षण करने वाली माता मुंबा देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं। एक विनंती है आप सभी से, इस वीडियो को स्किप किए बिना ही देखें और मुंबा देवी की प्रसिद्धि, माताजी के प्रति लोगों की श्रद्धा और मंदिर के पुजारी जी द्वारा मंदिर का बताया गया इतिहास, इन सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में दिखाने का प्रयत्न किया है। इसीलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आखिर में कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर ज़रूर बताएं। मुंबई में स्थित देवी देवताओं के अनेक जागृत स्थान हैं। उनमें से भुलेश्वर में विराजमान हुई मुंबा देवी के नाम से ही इस शहर को मुंबई नाम से जाना जाता है। मुंबई की रक्षण करने वाली माता मुंबा देवी का इतिहास बहुत ही सुंदर है। शुरुआत में मुंबई में कोली लोगों की संख्या बहुत थी और इन मछुआरों को समंदर में आते जाते हुए किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसीलिए उस जमाने का बोरी बंदर मतलब अभी का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यहाँ पे इस माता जी की सन 1737 में स्थापना की गई। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में इस मंदिर को वहाँ से हटाकर वहाँ पे विक्टोरिया टर्मिनस बनाया गया और माताजी को मंदिर का अभी का जो स्थान है वहाँ पर स्थापित किया गया। उस जमाने में मंदिर के तीनों बाजू तालाब हुआ करता था, लेकिन मुंबई की बढ़ती लोकसंख्या के कारण वो तालाब बुझाकर वहाँ पे बिल्डिंगें बनवाई गई। मंदिर को बनाने की जगह उस वक्त वहाँ पे रहने वाले पांडुसेठ नामक आदमी ने दान में दी थी। शुरुआत में इनका परिवार ही इस मंदिर की देखरेख किया करता था, लेकिन बाद में मुंबई हाईकोर्ट के आदेशा द्वारा मुंबा देवी ट्रस्ट की निर्मिति की गई और अभी इस मंदिर का व्यवस्थापन इसी ट्रस्ट के अंतर्गत है। मंदिर की वास्तु बहुत ही आकर्षक है। सभा मंडप में कमानियों पर किया हुआ नक्शीकाम प्रशंसनीय है। मंदिर में प्रवेश करते ही बाई तरफ मुंबा देवी विराजमान है। केसरिया रंग के चेहरे वाली मुंबा देवी के चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई देता है। रजत मुकुट और विविध रत्नों से सुशोभित मुंबा देवी का दर्शन यहाँ होता है। मुंबा देवी के बगल में जगदम्बा माता और अन्नपूर्णा माता भी स्थापित की गई हुई है। जगदम्बा माता का दर्शन लेते समय उनकी ओर देखते रहने पे साक्षात जगदम्बा माता ही खड़ी रहकर आशीर्वाद दे रही है ऐसा प्रतीत होता है। जगदम्बा माता के चेहरे पे अलौकिक तेज और प्रसन्नता दिखाई देती है। जगदम्बा माता की 6 भुजाएं हैं। मंदिर में खड़े द्वारपाल माता जी की सेवा में खड़े हैं ऐसा प्रतीत होता है। जगदम्बा माता जी के बगल में ही अन्नपूर्णा देवी विराजमान है। उनका रूप अतिशय सुंदर और शांत है। नवरात्रि में मुंबा देवी के चेहरे पर विलक्षण तेज होता है। चेहरे पर सोने का मुखौटा और विविध अलंकारों से और फूलों से देवी को सजाया जाता है। मुंबा देवी मंदिर में दिन में 6 बार माताजी की आरती होने का रिवाज है और माताजी को भोग चढ़ाने के लिए मंदिर के ही ऊपरी मंजिल पर माताजी के भोग के पकवान बनाए जाते हैं।
मुंबा देवी के दर्शन करने के लिए साल भर भक्तों की भीड़ रहती है। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ मुंबा देवी दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा भाव से माताजी के सामने जो मन्नत की जाती है वो माताजी हमेशा पूरी करती है। इसलिए कहते हैं ना, मुंबई में आने वाला हर एक आदमी भूखे पेट कभी सोता नहीं है। मुंबा देवी आने वाला हर एक भाविक अलग अलग जाति का रहता है, इसलिए लोग इसे एकता का प्रतीक भी मानते हैं। मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, कोलियों की कुल देवी मानी जाती है। अच्छा। इसका मंदिर पहले मरी लाइन्स स्टेशन के पास था। अच्छा। कोलियों ने ऐसा माता जी की कृपा से उनको यहाँ पे एक दर्शन दिया और नीचे से माता जी की एक को दर्शन दिया कि मुझे यहाँ पे स्थापना, यहाँ पे मेरे को जगह चाहिए। अच्छा। तो उसको जगह दिया, थोड़ा सा झुपड़ पट्टी बना के कुछ दिन माता जी का यापन किया। लोग बाग दर्शन के बहुत दूर दूर से आते हैं और ये कोलियों की कुल देवी है। नवरात्रि में कैसा माहौल रहता है यहाँ पे, क्या 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 करते हैं? नवरात्रि में लोग दूर दूर से आते हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। जो भी लोग श्रद्धा भाव से, जिस भाव से आते हैं उसकी श्रद्धा जरूर पूरी होती है। मन्नतें जो भी मांगते हैं वो मन्नतें यहाँ पे माता जी की कृपा से पूरी होती है। और नवरात्रि में एक विशेष रहता है, एक पुजारी, यहाँ पे तो 17 पुजारी हैं। अच्छा। एक पुजारी मेन पंडा हो जो कि 9 दिन का व्रत रखा जाता है, बहुत बड़ा व्रत। त्रिमित्र व्रत किसने रखा है इसका? ये व्रत मैं ही रखाऊँगा। अच्छा। सिर्फ दूध और पानी से इस व्रत को 10 दिन तक फल भी नहीं लेना, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लेना। अच्छा। दूध दो टाइम ही लेना है, बार बार कुछ लेना भी नहीं है। अच्छा। तो ऐसा ये और श्री यंत्र की बहुत बड़ी महापूजा होती है। अच्छा। 21 ब्राह्मण बाहर से बुलाए जाते हैं और चंडी का पाठ होता है। अच्छा। 10वें दिन एक महायज्ञ हवन होता है चंडी का। हाँ। उसको महायज्ञ बोलते हैं, होम, तो पूर्णाहुति होती है। अच्छा। ऐसे लोगों का आवागमन बना रहता है। देखिए, आपद सुमग्न स्मरणम तुदीयम करोमि दुर्गे करुणाण्डवेशी नई तच्च ठत्तम मम भाव यथा क्षुधा तुषारता जननी स्मरंती। जो भी जिस प्रकार से माता जी का स्मरण करता है, जिस भाव से, उसकी मनो इच्छा माता जी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। जो भी मनोकामना भक्त लेके यहाँ पे आता है वो शुभ और कुशल से जाता है, उसकी मन्नतें अवश्य ही पूरी होती है। ऐसा मैं भी विचार किया था, आजमाया मैं भी, लेकिन माता जी की बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ जो भी जिस भक्त जिस उद्देश्य से आता है उसका उद्देश्य अवश्य ही पूर्ण होता है। मंदिर के घुमट की रचना आकर्षक है, इस पे विशिष्ट प्रकार का नक्शीकाम दिखाई देता है। नीले आकाश में दिख रहा मंदिर का ये घुमट इसके विशिष्ट प्रकार के नक्शीकाम को 4 चांद लगा रहा है। मुंबा देवी मंदिर के बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में हसमुख चेहरे वाली हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन होता है। मंदिर के सदस्य और गुरुजी का विशेष आभार, क्योंकि इनके वजह से हमें मंदिर और मुंबा देवी के बारे में जानकारी मिली और हम आप तक पहुंचा सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।